हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और ब्लॉगिंग शुरू हो गई है हमारे कपड़ों से, तो क्योंकि आज संडे है तो कपड़े तो फ़िलहाल धोने ही थे, क्योंकि हर संडे अब मशीन लगाती हूँ मैं। तो फ़िलहाल कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैं वॉश कर रही हूँ, और बहुत सारे काम अभी करने हैं सुबह सुबह, तो एक साथ काम तो नहीं हो पाएंगे, पर चलिए धीरे धीरे करते हैं सारे काम अपने। क्या कर रही हो लवी? कौन को बचे है? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel so friends, आज बहुत सारे कपड़े वॉश करे मैंने, और बहुत कपड़े धो रहे थे फिलहाल। बल्कि मैं हर संडे वॉश करती हूँ कि कपड़े ज़्यादा ना हो, पर तब भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और बल्कि मैं एक बकेट हाथ से ही रोज धोती हूँ, तब भी आप देख सकते हैं मेरे कपड़े मैंने सारे वॉश करे हैं। कुछ नीचे बिछा दिया है और सारे अभी यहीं रख दिया है, बाद में बाहर डालूँगी। और तब तक मैं थोड़े से और भी हैं जो इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं वॉश करते हैं आज के सारे कपड़े। सो फ्रेंड्स, आज कपड़े वपड़े भी काफ़ी धोए, उसके बाद मैं प्रेस करने बैठ गई थी तो उसमें ही सारा दिन निकल गया और रात हो गई थी, क्योंकि उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो दिन में मैं शूट ही नहीं कर पाई अपना ब्लॉग, और इसलिए मैं रात में ही शूट कर रही थी। और इस टाइम भी बहुत सारा काम हो गया था, और आज मैं दिन में भी सो ली थी, तो इस वजह से मैं सोच रही थी थोड़ा लेट नाइट तक काम कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल 10 बज गए हैं, वैसे आज खाने में भी लेट हो गया था तो 10 बज गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इन लोगों को खाना जल्दी से खिला के, और सब्ज़ी भी आई है तो सब्ज़ी भी वॉश करना है, तो फ़िलहाल मैं इनको जल्दी जल्दी खाना खिला देती हूँ। सो फ्रेंड्स, खाना मेरा बन रहा है और मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ इनको खिलाती भी जाऊँ, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा, और वैसे भी अभी 10:30-11 बज ही रहे हैं, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ साथ साथ खिलाती जाऊँ, क्योंकि संडे का दिन तो आप लोगों को पता ही होता है हाउसवाइफ के लिए वैसे भी बिजी डे ही माना जाता है। वैसे तो रोज ही होते हैं, बट संडे में तो बहुत सारे काम निकलते हैं, और हम सोचते हैं कि एक काम निपटाए तब तक दूसरा काम आ जाता है, ख़ास तौर से जब आपके बच्चे होते हैं आप लोगों के साथ। और हमारे अनन्या की तो छुट्टियां भी पड़ रही हैं स्कूल से, तो उसका ऑनलाइन वर्क आ रहा है, तो वो भी मुझे साथ में कराना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम सावंत कांवड़ यात्रा चल रही है, इस वजह से उसकी छुट्टियाँ हैं स्कूल की कल परसों तक। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ खाना खिला के, और ये देख सकते हैं खाना खिला के मैं सीधा बर्तन में लगी हूँ अपने, क्योंकि बर्तन निपटाने के बाद भी मेरे को सोच रही हूँ क्या करना है, क्योंकि अभी कपड़े भी मेरे डालने के लिए पड़े हैं कुछ, जो अभी मैंने शाम को भी थोड़े से वॉश करे थे, पारस के हो गए थे हमारे। पारस लवी दोनों हमारे भीग के आ गए थे छत में, तो सारे बच्चे लोग खेल रहे थे तो वो लोग भी आ गए थे, तो इस वजह से उनके कपड़े एक्स्ट्रा हो गए थे, तो मैंने धो के अभी डाले हैं जस्ट। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया फ़िलहाल मेरा आज, तो मैं सोच रही हूँ कि आगे क्या करना है, तो अभी तो फ़िलहाल किचन ही क्लीन हो रही है मेरी।
सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपना ये वर्क भी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं अभी नहीं करूँगी तो सुबह मुझे मॉर्निंग में उठ के करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह थोड़ा लेट उठूँगी, बट किचन पूरी क्लीन करके ही सोऊँगी। और सुबह होते ही तो बहुत सारे काम आ जाते हैं किचन के, कि उनको चाय बनाना है, बच्चों को दूध देना है, और अगर गंदी किचन रहती है तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो सोच रही हूँ कि मैं किचन पूरी क्लीन ही कर दूँ, और उसके बाद थोड़ा सा तसल्ली रहती है, सुबह उठ के किचन साफ मिलती है। तो इस वजह से मैं रात में ही ज़्यादा पसंद करती हूँ अपने किचन साफ करना। और आजकल मैं अपने जब से न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ तब से तो मैं अपने बर्तन भी नहीं छोड़ती रात के, मैं धो के ही अपने सोती हूँ। तो फिलहाल अभी मेरा सारा काम हो गया है, सब्जी भी मैंने वॉश कर दी, और इतने सारे नींबू भी लिए थे तो इनका अचार भी रखना है मुझे अभी। तो मैंने कहा भी कि ये क्यों लेके आए हो, बट वो कह रहे थे कि हम ले आए, नींबू मिल गए थे तो हम ले आए। तो फिलहाल सारी सब्जी मैंने अच्छे से वॉश कर दी है, और अभी मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि बाद में मैं सुबह फ्रिज में लगाऊँगी। और मैं रख देती हूँ बास्केट में, क्योंकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा रात में। तो अब मैं ये सब्जी फ्रिज में सुबह लगाऊँगी, क्योंकि अब मेरे को नींद भी बहुत आ रही है, और इस टाइम 12:30 बज चुके हैं। मैंने अभी देखा कि 12:30 बज चुके हैं, तो बहुत लेट हो गया है सोने में भी, और मैं थक भी गई हूँ, क्योंकि मैं फिर लगी पड़ी हूँ जब से यहाँ पे, तो खड़े खड़े भी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। और आज तो पूरा दिन भी ऐसे गया, मैं 2 घंटे ही रेस्ट किए होंगे मैंने, और पूरा दिन ऐसे ही चला गया मेरा फ़िलहाल। तो उसके बाद अब मैं आराम से जाके तसल्ली से सोऊंगी, क्योंकि सुबह की मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और सुबह थोड़ा सा मैं लेट भी उठ जाऊंगी, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे सुबह काफ़ी नींद आती है, बट वॉकिंग के लिए मैं आजकल जल्दी उठती हूँ। सो फाइनली मेरी किचन देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल क्लीन हो गई है, और सब्जी भी मैंने अपनी वॉश करके सारी रख दी है। सो फ्रेंड्स, 12:00 बज चुके हैं, और मैंने फाइनली आज बहुत काम था, सब्जी भी आई हुई थी तो वॉश करनी थी, तो इस वजह से मैंने सारी किचन अपनी क्लीन कर ली है, और सब्जी भी आप लोगों ने देखा ही है, सारी वॉश कर दी। तो अब मैं जा रही हूँ फिलहाल सोने। सो फ्रेंड, चलिए चलते हैं और आराम से अब सोते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बच्चे लोग सो गए हैं। अगर ब्लॉग अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।